सब्सक्राइब कीजिए अजय गहलोत को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं एंटीवायरस के बारे में। एंटीवायरस आप भी यूज़ करते होंगे, मैंने भी यूज़ किया है, लेकिन आपको पता है ये कैसे काम करता है और क्या काम करता है? तो दोस्तों, यही मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मार्केट में बहुत से ऐसे एंटीवायरस हैं जिनका आप यूज़ करते हैं और यूज़ करके आप सोचते हैं कि आपका कंप्यूटर बिल्कुल सेफ है, और आप सोचते हैं कि अगर हमारे कंप्यूटर में कोई भी डाटा आएगा या कोई भी वायरस आएगा तो उसको आपका एंटीवायरस डिटेक्ट करके वहीं पे रोक देगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जब आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में एंटीवायरस इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो एंटीवायरस अपने साथ साथ एक लिस्ट भी होती है एंटीवायरस की, जिसमें वो डाटा कलेक्ट करता है कि कितने टाइप के वायरस हैं और कितने प्रकार के ये होते हैं। तो उनकी लिस्ट उसके पास होती है, वो भी आपके लैपटॉप में इंस्टॉल हो रही होती है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जब आप इस एंटीवायरस की मदद से अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में वायरस को स्कैन कर रहे होते हैं तो एंटीवायरस क्या करता है, जो उसके पास लिस्ट होती है वायरस की, तो उसमें से वो आपके जो कंप्यूटर का डेटा होता है उसमें मैच करता है कि ये जो लिस्ट है, अगर इसमें से कोई वायरस आपके कंप्यूटर में वायरस है तो उसको मैच करके वहाँ पे ये निकाल देता है, प्रोटेक्ट कर देता है कि ये आपकी फाइल है, इसमें आपका इस फाइल में आपका वायरस है और आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि एंटीवायरस कैसे काम करता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास एक और बात सामने आती है कि अगर आपने एंटीवायरस भी अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करवा रखा है लेकिन जो वायरस है वो अभी नया बना है आपके कंप्यूटर में, उसका आपके एंटीवायरस को कोई अता पता नहीं है, ना वो उसको आपके एंटीवायरस की लिस्ट में शामिल है, तो वो उसको कैसे पहचानेगा, कैसे पकड़ पाएगा? चाहे आप अपने एंटीवायरस से उसको स्कैन कर पाओगे, लेकिन वो आपका एंटीवायरस तो बता देगा कि आपका कंप्यूटर जो है वो बिल्कुल सेफ है, लेकिन जो वायरस है वो अपना काम करता रहेगा। तो इसके लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप अपने जो एंटीवायरस है उसको अपडेट आपको करना पड़ेगा, कंटिन्यू आपको अपडेट उसको करता रहना पड़ेगा। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में यही सब था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में दी गई जानकारी समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई सुझाव है तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों।